जिंदगी छोटी हो, इतना काम करके चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद कयामत तक तुम्हारा काम बोलता रहे। इमाम बुखारी की हदीस हम पढ़ते हैं, चले तो गए हैं आज भी हदीसें पढ़ते हैं। यह है बरकत। अल्लाह के रसूल ने इस महीने को यही नाम दिया, अताकुम शहरुन मुबारक, तुम्हारे सामने मुसलमानों बरकत वाला महीना आ रहा है। इसमें बरकतें ही बरकतें, कितनी बरकतें हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जानते हैं एक रात की इबादत, आगे आप बोलेंगे, एक रात की इबादत, एक रात की इबादत 1000 महीनों से बड़ी है। कितनी बरकत है इस महीने में, एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं। खैरुम मिन अल्फ शहर, हदीस कुरान का लफ्ज यह है, लैलतुल कद्री खैर, उससे बेहतर है, यानी वो कितना है अल्लाह आलम बिस्सवाब, ये बरकत है। वही 12 घंटे वाली रात, मगर 1000 महीनों से बेहतर। एक उम्रा 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, रसूलुल्लाह के साथ हज के बराबर, अल्लाहू अकबर। ये एक सजदा, सुनो गौर से, रमजान के सजदे, रमजान की नमाजें शहीद से बेहतर। किससे, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, शहीद से बेहतर, शहादत जिसने गर्दन को, उससे बेहतर। ये बरकत है इस महीने की, इस महीने की। इसीलिए नबी ने एक लफ्ज में कहा, रमजान और गैर रमजान में इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान के बीच में है। अल्लाहु अकबर जी। और एक लफ्ज में बोल देता हूं, और हो सके तो अमल करो इंशाल्लाह। सही तरगीब की हदीस है, तसहरू फइन फिस्सहूरी बरका, सहरी करो, बगैर सहरी के रोजा मत रखो, याद रखो जी। और नीयत हमेशा अच्छी रखो। रमजान आ रहा है, 4-5 किलो कम करेंगे, डाइटिंग करेंगे, स्मार्ट बनेंगे, ये नीयत से मत करो, वो तो फायदे होंगे। इस नीयत से कोई रोजा नहीं रखना, कोई किसी के रोजे की नीयत डाइटिंग की नहीं होनी चाहिए, वजन घटाने की नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट बनने की नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि हदीस का यह लफ्ज है, मन साम रमजान ईमान वाहतिसब, दो चीजों के साथ रोजा रखें, एक तो ईमान रखें अल्लाह ने यह रोजा मेरे ऊपर फर्ज किया है, और दूसरा उम्मीद रखें अल्लाह इस रोजे का मुझे सवाब देगा। इस नीयत से रोजा होना चाहिए।